साडा चैनल वेखण वाले सारे वीर भैणां नूं साडी प्यार भरी सत श्री अकाल जी। अज असीं तुहाडे लई अमृतसर दे अंदर 103 स्केयर यार्ड दा 3 BHK बिल्कुल ब्रांड न्यू कार लैके आए हाँ। बहुत ही सोहना यह कार तैयार किया गया और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मटीरियल इनू बनाते वक्त यूज़ किया गया है। बहुत ही अच्छी लोकेशन गेटेड सोसायटी के अंदर घर लोकेटेड है जी। नॉर्थ फेस का एक घर है, घर के बाहर 25 फुट की रोड है। अगर तुम अमृतसर के अंदर एक छोटा घर बजट का घर हो ये उपर ईजली लोन मिल जाए वो लभ रहे हो तो ऑप्शन अभी लिए लैके आए है। सानू पूरी उम्मीद है कि छोटा घर आप जी ने बहुत ही सोहना लगेगा। बहुत ही सोहनी डिटेलिंग के नाल पूरा घर तैयार किया गया। ब्रांडेड कंपनी के सारी टाइलों फिटिंग आप जी ने लगा के दी जा रही ने। अगर आप जी इस घर को विजिट करना चाहते हो साढ़े नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करो। इस तरह की अच्छी क्वालिटी के घर बहुत ही जल्दी सोल्ड हो जाते हैं। असं तुम्हें रिक्वेस्ट करा जल्दी जल्दी साढ़े कॉन्टैक्ट करो। इस घर से आप जी ने ईजली 70% बैंक का लोन भी मिल जाएगा। आओ आप जी ने इस घर का फ्रंट एलीवेशन चैक करवाने। इस घर का फ्रंट 23 फुट है, लंबाई 40 फुट हैगी जी। बहुत ही सोहना फ्रंट एलीवेशन इसका तैयार किया गया है। सोनी के अंदर देखो आसे पासे काफ़ी अच्छे नवे घर तैयार हो रहे हैं। बाहर मेन एंट्रेंस से 9 फुट का गेट लगाया गया है। घर के अंदर एंटर करते सब तो पहले आप जी ने पार्किंग स्पेस दी जा रही है। तो स्टेयरकेस उपर फर्स्ट फ्लोर ली जा रही ने। काफ़ी सोहनी तुम देखो चैक पैटर्न की हाई ड्यूटी टाइल लगाई गई है। बड़े आराम के नाल अपनी छोटी गड्डी पार्क कर सकते हो। इस तो अलावा फ्रंट साइड से आप जी ने 3 फुट का सेटबैक एरिया भी बना के दिता जा रहा है। एक एक्स्ट्रा टॉयलेट आप जी ने इधर अंदर फ्रंट से भी बना के दिता जा रहा है। पूरी बाथरूम फिटिंग आप जी ने लगा के दी जाएगी। हाँ आप जी ने घर अंदरों चैक करवाने। घर के अंदर एंटर करते सब तो पहले तो देखो ड्राइंग रूम एरिया है जी। काफ़ी अच्छे व्डे साइज़ का रूम है। प्रॉपर तुम देखो डाउन सीलिंग का काम किया गया। एक दीवार से वॉलपेपर लगाया गया। पूरे घर के अंदर विट्रीफाइड टाइल लगाई गई है। ड्राइंग रूम के नाल ही अटैच लॉबी एरिया है जी। सामने आप जी ने ओपन काफ़ी अच्छा व्डा किचन भी बना के दिता जा रहा है। दोनों एरिए कॉमन होने करके काफ़ी अच्छा व्डा हॉल एरिया आप जी ने मिलेगा। सामने देखो रोशनी वेंटीलेशन लिए विंडो दी गई है। बहुत ही अच्छे तरीके अंदर तुम अपना पूरा फर्नीचर सोफा सैट और अदर फर्नीचर लगा सकते हो। आओ आप जी ने किचन एरिया चैक करवाइए। लॉबी के अंदर तुम अपना डायनिंग एरिया बना सकते हो। किचन के अंदर तुम देखो एल शेप का काउंटर बनाया गया। पूरा लकड़ का काम आप जी ने करके दिता जा रहा है। डबल बोल का तुम देखो काफ़ी सोहना सिंक लगाया गया। रोशनी वेंटीलेशन लिए विंडो दी गई है। काफ़ी अच्छी डिटेलिंग के नाल पूरा किचन तैयार किया गया। बहुत ही सोहना लकड़ का काम हैगा जी। सामने लॉबी एरिया देखो तुम इतने डायनिंग एरिया बना सकते हो। घर के अंदर तुम देखो एक एक चीज़ का ध्यान रखा गया। इस तो अलावा बैक साइड से 2 बैडरूम अटैच बाथरूम डक्ट एरिया आप जी ने भी चैक करवाइए। बैडरूम तो एक रात डॉक्टर नूं जाने दा नाल ही अटैच बाथरूम हैगा जी। काफ़ी अच्छे वड्डे साइज़ का रूम हैगा जी। सामने वाली वॉल से बहुत ही सोहना टैक्चर पेंट किया गया। डाउन सीलिंग का काम है। कंसील लाइट आप जी ने लगा के दी जा रही है। बड़े आराम के नाल तुम अंदर अपना पूरा फर्नीचर सैट कर सकते हो। घर के अंदर क्रॉस वेंटीलेशन का प्रॉपर ध्यान रखा गया। आओ आप जी ने डक्ट एरिया चैक करवाइए। काफ़ी अच्छे वड्डे साइज़ का डक्ट एरिया इतने तुम अपना वाशिंग एरिया बना सकते हो। टिली उपर इन जा ला के कवर किया गया। इतों ही रात बाथरूम जाना तुम आओ बाथरूम देखो। बाथरूम अंदर बहुत ही सोहनी टाइल लगाई गई हैगी जी। तो पूरी बाथरूम आप जी ने लगा के दी जाएगी। रोशनी वेंटीलेशन लिए तुम देखोगे तो बाथरूम अंदर रोशनदान भी दिता गया है। घर का लेआउट बहुत ही अच्छे तरीके तैयार किया गया। मैक्सीम स्पेस ये अंदर यूज़ करने की कोशिश की गई है। सानू पूरी उम्मीद है घर आप जी ने बहुत ही सोहना लगेगा। आओ आप जी ने ग्राउंड फ्लोर से सैकेंड जो बैडरूम है वह भी चैक करवा दें। घर के अंदर 8 फुट के चौखट दरवाजे लगाए गए हैं। ब्रांडेड कंपनी की सारी स्विच वायरिंग आप जी ने करके दी जा रही है। ये सैकेंड बैडरूम देखो काफ़ी अच्छे वड्डे साइज़ का बैडरूम हैगा जी। रोशनी वेंटीलेशन लिए विंडो दी गई। सामने वाली वॉल तो देखो बहुत ही सोहना टैक्चर पेंट किया गया। सोहनी डाउन सीलिंग का काम है। कंसील लाइट आप जी ने लगा के दी जा रही हैगी है। काफ़ी अच्छा व्डा है कमरा हैगा जी। बड़े आराम से तो अपना पूरा फर्नीचर डबल बैड साइड टेबल अलमारी टीवी पैनल सब कुछ बनवा सकते हो। इस रूम के नाल भी तुम देखोगे तो अटैच आप जी ने डक्ट एरिया और बाथरूम दिता गया है। दोनों कमरों का कॉमन बाथरूम बनाया गया। मैक्सिमम स्पेस में यूज़ किया गया है। पूरी उम्मीद है कि साड़ी दी इनफॉर्मेशन आप जी ने काफ़ी अच्छी लगती होएगी। साढ़े चैनल में सब्सक्राइब करो। अनलॉक सुपर प्रॉपर्टी बैल आइकन प्रेस करो। लाइक एंड शेयर करो। इसी तरह की अच्छी इनफॉर्मेशन वीडियो असं अपने क्लाइंट लैके आते रहने ताकि वो अमृतसर के अंदर अच्छे तो अच्छे घर परचेज कर पा। असं चाहते हैं कि लोग घर बैठे अच्छे तो अच्छे घर वेख पा और अच्छे तो अच्छी चॉइस वाले घर परचेज कर पा। साडा चैनल यूट्यूब फेसबुक दोनों जगह पर प्लीज़ लाइक एंड शेयर करो। किसी तरह की प्रॉपर्टी रिलेटेड आपकी इंक्वायरी हो तो साढ़े कॉन्टैक्ट कर सकते हो। साढ़े नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं। आओ आप जी ने फर्स्ट फ्लोर की तरफ लैके चलते हैं। तो यह देखो पॉर्च एरिया तो बाहरों ही स्टेयरकेस दी गई हैगी है। 3 फुट वाइड स्टेयरकेस है। ग्रेनाइट मार्बल लगाया गया। स्टेनलेस स्टील की रेलिंग आप जी ने लगा के दी गई है। फर्स्ट फ्लोर से एंटर करते छोटा जहा तो ये देखो ये पैसेज एरिया दिता गया है। इधरों एक बैक साइड टैरस नू डोर जा रहा है। एक कमरा है जी। तो नाल ही फ्रंट से वड्डी बालकनी आप जी ने दी गई है।
फर्स्ट फ्लोर ते भी आप जी नूं एक बैडरूम बना के दिता जा रहा, और आप जी नूं बैडरूम चैक करवाइए। काफ़ी अच्छे वड्डे साइज का रूम हैगा जी। सामने वाली वॉल ते बहुत ही सोहना टैक्चर पेंट हैगा जी। रोशनी वेंटीलेशन लई तुसीं देखोगे तो सामने आप जी नूं काफ़ी अच्छी वड्डी विंडो बना के दी गई हैगी है। तुसीं चाहे तो इस रूम नूं गैस रूम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो, बच्चों के किड्स रूम के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैगे हो। तुसीं कोई साफ सुथरी अच्छी सोसाइटी के अंदर एक छोटा वधिया घर लैना चाहते हो तो अज्ज दी ऑप्शन असीं तुहाडे लई लैके आए हैगे आ। आओ आप जी नूं बैक टैरेस एरिया चैक करवाने हैं। पहली बार लोहे का गेट लगाया गया टैरेस एरिया, तुसीं देखो पूरी वाटरप्रूफ करके टाइल लगाई गई है। डक्टेरिया का जाल लगाया गया, इत्थे उप्पर आप जी नूं शीट लगा के दी जाएगी। एक बाथरूम आप जी नूं टैरेस एरिया ते बना के दिता गया है, इहदे अंदर पूरी बाथरूम फिटिंग आप जी नूं लगा के दी जाएगी। काफ़ी अच्छा नीट एंड क्लीन ओपन है पूरा टैरेस दिता गया है। इस एरिया ते भी तुसीं अपना वाशिंग एरिया बना सकते हो। सीमेंटेड स्टेयरकेस उपर टॉप टैरेस लई दिती गई हैगी जी। आओ आप जी नूं टॉप टैरेस एरिया भी चैक करवा देने हैं। काफ़ी अच्छी डिटेलिंग के नाल पूरा घर तैयार किया गया। सानू पूरी उम्मीद है कि यह कोठी आप जी नूं बहुत ही सोहनी लगी होएगी। टॉप टैरेस ते तुसीं देखो पानी का टैंक रखा गया है। इस तों अलावा तुसीं देखो वाटरप्रूफ करके टाइल लगाई गई है। आसे पासे काफ़ी अच्छे घर ने, काफ़ी अच्छी कॉलोनी के अंदर अज्ज दी ऑप्शन लैके आए हैं। अमृतसर के अंदर अपने घर की फ्री एड लाने तुसीं साडे नाल कॉन्टैक्ट करो, सेल परचेज लई कॉन्टैक्ट करो। साडा मेन ऑफिस न्यू अमृतसर, उत्थे भी विजिट कर सकते हो। अपना नवा घर बनाने लई साडे नाल कॉन्टैक्ट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।